नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग से। जबलपुर विजयनगर स्थित सेल्बी हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगाने के चलते 8 माह के बच्चे की मौत। परिजनों ने आरोप लगाए, गलत इंजेक्शन की वजह से बच्चे की गई जान। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जानकारी अनुसार लक्ष्मी नगर स्टेट बैंक कॉलोनी में रहने वाले लालू सिंह के बच्चे की उल्टी दस्त होने के चलते तबीयत खराब हो गई थी, जिसको लेकर 3 दिन पूर्व परिजनों ने 8 माह के बच्चे को सेल्बी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां परिजनों के अनुसार बच्चे की हालत में सुधार हो गया। वहीं आज डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाया तो बच्चे की हालत बिगड़ गई और अचानक ही उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाते हुए बच्चे की मौत को लेकर पुलिस में अस्पताल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 8 महीने का बच्चा अच्छा भला जनरल वार्ड में एडमिट था, अच्छा भला खेल रहा था, केला खाया, नारियल का जूस सब पिया, इसका डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन दिया, 1 सेकेंड नहीं लगा बच्चा एक्सपायर होने में। कौन से हॉस्पिटल में? सेल्बी हॉस्पिटल। कितने दिन से भर्ती कर दी? इतवार को भर्ती किया गया है। या दूसरा दिन है? आज जब से हम हॉस्पिटल गए तो जेंट्स बहुत अच्छे से खेल रहा था और हम उसको गोदी में लेके पूरी जगह घुमाया फिराया और फिर अचानक से उन्होंने इंजेक्शन दे दिया जिससे वो तुरंत खत्म हो गया। हाँ, शिकायत आई है। अभी लालू सिंह हैं, लालू सिंह जो कि लक्ष्मीपुर स्टेट बैंक कॉलोनी में रहते हैं, उनका बच्चा था 8 महीने का, जो 2-3 दिन से बीमार बताया है इन्होंने। 2-3 दिन से बीमार था, उसका इलाज चल रहा था, उल्टी दस्त की बीमारी थी, उसके इलाज के लिए सैलमी अस्पताल में भर्ती किया गया था इनको। जो आज बता रहे हैं कि कोई इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाया है, उससे इनकी मृत्यु हो गई है। बच्चे की सूचना मिली है तो मर कायम कर लिया, जाँच करते हैं यही सामने आया। वहीं जबलपुर में 2 मॉडल अब दोस्त से दुश्मन बन गई, देखे पूरी खबर। जबलपुर में रहने वाली 2 मॉडल अब दोस्त से दुश्मन बन गई। दरअसल सुखविंदर कौर नाम की मॉडल पर साइन कौर नाम की मॉडल ने मारपीट का आरोप लगाते हुए गड़ा थाने में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए साइन का मेडिकल करवाया और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई। साइन का कहना है कि सुखविंदर उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन धीरे धीरे वो उससे ईर्ष्या करने लगी। इसी बीच उसने उससे 30,000 रुपये भी लिए, लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो उससे उसने मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके चेहरे को भी बुरी तरह नोचने के बाद उसने उसका मॉडलिंग करियर तबाह करने की धमकी दी। जबलपुर सुप्रीम पावर हंटर जिसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, जस्ट मैंने उससे सब पैसे मांगे कि जो मेरे तूने तो 30,000 रुपीज़ लिए वो तू वापस मुझे कर दे, तो वो वापस नहीं कर रही है। ऊपर से मुझे धमकी दे रही कि तेरा फेस खराब कर दूंगी मैं, तू बाहर निकल तेरे हाथ पर कटवा दूंगी। अभी IFT में 7 बजे उसने मेरे से वहाँ जीना झपटी करी है और मेरे यहाँ फेस है पूरा ख़राब करने की, उसने मेरे को धमकी दी, बोलते हैं कि तू मॉडलिंग करती है तो जो मैं वहीं बताऊँगी, और मेरा फेस ख़राब करना चाह रही है। और इवन वो मेरे घर में रही भी है, खाई पी सब है, इवन वो दिल्ली कोचर रनवे करने से पहले वो मेरे से 30,000 रुपीज़ वो लेकर भी गई है। कहाँ की ये? ये मेदी नगर साइट की है और मैं LIC भारत कॉलोनी में रहती हूँ। तो किस पूरा विवाद है ना पैसों को लेके? हाँ, चल रहा पूरा पैसों को लेके है और वो मुझे ये कह रही है कि तू मॉडलिंग लाइन में तू मेरा पत्ता काट रही है। उसको इतना वो हो गया कि अब मेरे को साफ वो कह रही है कि मैं तेरा फेस खराब कर दूंगी। किस कंपनी की मॉडलिंग कर रही हैं आप? कंपनी की नहीं है एक्चुअली, वो 35 ईयर्स की मिसेस है, उसका डिवोर्स हो चुका है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।